हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो मैं रेडी हो चुका हूँ इंडिया आर्ट फेयर में जाने के लिए। आज पहला दिन है आर्ट फेयर में जाने का। मुझे वहाँ पे एज ए गेस्ट आर्टिस्ट बुलाया गया है हॉबी क्राफ्ट इंडिया की तरफ से। सो रेडी मैं हो चुका हूँ, बस अब निकलना है। मेट्रो से जाऊँगा मैं, पहुँच गया हूँ मैं वेन्यू पे। मतलब अभी एंट्री की है अभी जस्ट। सो जा रहा हूँ सीधे अंदर। सो ये है वेन्यू, यहाँ पे अंदर होंगी सारी जो भी मतलब आर्ट वर्क्स वगैरह हैं वो सब यहाँ पे अंदर है। एक हॉल नहीं है, तीन हॉल है ऐसे इस तरह के। ये फर्स्ट, ये सेकंड और आगे एक तीसरा। ये इंडिया आर्ट फेयर लास्ट टाइम भी यहाँ पे ऐसा ही लिखा हुआ था। मैंने अब फोटो भी खींच के अपलोड की हुई है पिछली बार की, पिछले फेयर में। मैं तो जा रहा हूँ सीधे हॉबी क्राफ्ट के बूथ पे। तो वैसे मैं टाइम से पहले आ गया, थोड़ा सा क्या टाइम हो रहा है, 15-20 मिनट है अभी स्टार्ट होने में। ये है यहाँ पे हॉबी क्राफ्ट इंडिया का स्टोर मतलब बूथ। तो यहाँ पे ये मटेरियल्स वगैरह सेटअप किए हुए, अलग अलग सकुरा वगैरह, टॉम्बो। यहाँ पे ये जो टेबल चेयर देख रहे हो, यहाँ पे मैं थोड़ी देर में ड्राइंग वगैरह करने वाला हूँ। यहाँ पे एक बहुत सही चीज़ मिली है, एक पेंटिंग्स की बुक है। पेंटिंग्स मतलब प्रिंट्स है उसे पेंटिंग्स के, और उसकी प्राइस है 11,25,000 रुपये। मतलब उस बुक की प्राइस है 11,25,000 रुपये। आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये जो बुक आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कोई आम बुक नहीं है, इसमें पेंटिंग्स है, प्रिंट्स है। और ये इसकी प्राइस पता है कितनी है इस बुक की? 11,00,000 रुपये। झूठ नहीं बोल रहा मैं, इनको इन्होंने बताया जो सेल करते हैं, उन्होंने बताया। तो इसमें काफ़ी सारे पेंटिंग्स के मतलब प्रिंट्स हैं, बट इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। प्राइस 11,25,000। 11,25,000 इसमें दलाई लामा के साइन है सब पे ना। तो ये है इसकी खास बात, मुराल्स ऑफ तिब्बत बुक का नाम है। 918 कॉपीज इसकी है, मतलब कलेक्टर्स एडिशन 918 कॉपीज हैं इसकी। और दलाई लामा ने साइन किए हुए हैं ना इसमें, पेंटिंग्स जो है ना बुक, मतलब ये जो बुक है पेंटिंग्स की, इसको दलाई लामा ने साइन किया हुआ है। तो वैसे वैल्यू तो इसकी उसके लिए भी है। तो आप देख सकते हो 528 पेजेस की ये बुक है, और इसकी प्राइस है 11,25,000 रुपये। फाइनली अभी थोड़ा सा टाइम मिला है राउंड मार के देखने के लिए। मैंने तो अभी तक मतलब कुछ देखा नहीं था जो भी आर्ट वर्क था यहाँ पे। साथ में इनको सर, हाँ पहचान लिया होगा अपने ही मेरे बालों की वजह से। तो अभी हम दोनों को थोड़ा टाइम मिला है, ऐसे राउंड मारते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे आर्ट वर्क वगैरह। पहले तो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन था, तो ऐसे ही बैठ के बना रहे थे। ये देखो कितना अच्छा बना है, वाओ। कहाँ चल रहे हम? सेंटर वाले में चल रहे हैं एक बार। ओके, काम ये भी काफी बढ़िया सा लग रहा है, राइनो। तो इस पे ये जो लिखा हुआ है, ये इनको सर ने ही लिखा है। क्या बात है, कब किया था आपने ये? मैंने एक हफ्ते पहले किया था। अच्छा अच्छा देखो गाइस, कस्टमाइज BMW, पूरी की पूरी कार पे आर्ट कर रखा है। अच्छा भी लग रहा है, और कमेंट्स में बताना खुद ही तुम लोगों को कैसा लग रहा है। तो ये एक पेंटिंग काफ़ी अच्छी लगी है, इसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ हुआ है अभी। काफ़ी बड़ी साइज में, और मतलब छोटे छोटे इसमें जो डिटेलिंग्स है ना, बहुत अच्छी लग रही है। सो गाइस, ये देखो कितनी अच्छी पेंटिंग है, 3-4 लाख की है, काफ़ी अच्छी पेंटिंग है, मास्टरपीस।
यहाँ पे भी आप देख सकते हो। गाइस ये देख सकते हो आप पेंटिंग के ऊपर कपड़ा लगा के कवर किया हुआ है क्योंकि ये थोड़ी देर में उतर जाएगा, फिर रिवील होगा आर्ट वर्क। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो यही है जो भी है, यही आर्ट वर्क। सब ये पूछते रहते हैं मुझसे, सौरभ भैया को पूछो कब बनाएंगे दोबारा, जरूर बनाएंगे, मैं स्टार्ट करने वाला बोल दिया उसने कि वो दोबारा बनाएगा। जा रहे हो क्या? यस फिलहाल।